अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो एक दिन पहले एक मैं वीडियो बनाया था, ये वाला उमरा बस का एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में बताया था। तो काफ़ी भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई किसी को कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि इंडिया से काफ़ी लोग उमरा करने के लिए सऊदी अरबिया आए हुए हैं, उनके घर वाले ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है, बात नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हैं। वो लोगों को लग रहा है कि कहीं वो बस तो नहीं है जिसमें हमारे घर वाले गए हुए हैं, तो इसीलिए काफी ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि भाई किसी को कुछ हुआ तो नहीं है उस एक्सीडेंट में। तो उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें कोई भी इंडियन पर्सन नहीं था, ज्यादातर लोग मिस्र देश के थे। उस एक्सीडेंट में 8 आदमी का डेथ हुआ है और सभी मिस्र देश से ताल्लुक रखने वाले थे, और जो 45 लोग घायल हुए हैं उनमें कोई भी इंडियन आदमी नहीं था। तो इंडिया से जितने लोग भी उमरा करने के लिए आए हैं उनके घर वाले परेशान हो रहे हैं, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि जो लोग भी इंडिया में परेशान हो रहे हैं उनको सही जानकारी दे सकूं ताकि वो लोग परेशान ना हो। जितना भी मेरे पास अपडेट था, जानकारी था, आप लोगों के साथ शेयर किया हूं। उम्मीद करता हूं जो लोग भी परेशान हो रहे हैं उन लोगों को इस वीडियो से राहत मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया अपडेट लेकर। अभी के लिए खुदा हाफिज़।